हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को अभी सब्सक्राइब करें और तुरंत अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। सलमान खान का शो बिग बॉस हर साल काफी धूम मचाता रहा है। यूं तो बिग बॉस के इस सीजन ने खूब धमाल मचाया था, यानी कि सीजन 13 ने, लेकिन बिग बॉस सीजन 13 ने दर्शकों के दिलो दिमाग में अलग ही जगह बना ली थी। बिग बॉस सीजन 13 के सुपरहिट होने के बाद फैंस सीजन 14 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए हाल ही में इस तरह की खबर आई है जो कि बिग बॉस फैंस के लिए खुशखबरी हो सकती है। बिग बॉस सीजन 14 के लिए टीवी की नागिन और मशहूर एक्ट्रेस निया शर्मा को अप्रोच किया गया है। इसके साथ ही बिग बॉस के निर्माता शो की थीम को सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए ही तैयार कर रहे हैं। एक रिपोर्ट की मानी जाए तो बिग बॉस से जुड़े एक सूत्र ने बताया है कि निर्माताओं ने सेलिब्रिटीज को अप्रोच करना और उनसे बातचीत करना शुरू कर दिया है। सूत्रों ने यह भी कहा है कि सलमान बिग बॉस 14 के बोर्ड पर हैं और शो 2 महीने में ही शुरू हो जाएगा। हमने संभावित प्रतियोगियों से बात करनी शुरू कर दी है। उनमें टेलीविजन के मशहूर कलाकार निया शर्मा, विवियन डिसेना और शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन शामिल हैं। उम्मीद इस तरह की भी है कि वो भी बोर्ड में नजर आएंगे। बता दें हम सभी को कि इन कलाकारों के अलावा सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन को भी बिग बॉस सीजन 14 के लिए अप्रोच किया गया है। वहीं ये भी जानकारी देते हैं आपको कि बिग बॉस सीजन 14 के लिए अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। कलाकारों की फीस तय की जा रही है, साथ ही साथ शो को लेकर तैयार की जा रही सभी चीजें अभी अपने शुरुआती स्टेज पर हैं। वहीं कलाकारों की अगर बात करें तो निया शर्मा ने 1000ों में मेरी बहना और नागिन जैसे सीरियल से अपनी जबरदस्त पहचान बनाई। विवियन डिसेना ने सीरियल मधुबाला, प्यार की कहानी और शक्ति जैसे सीरियल से खूब सुर्खियां बटोरी। तो वहीं अध्ययन सुमन कई बॉलीवुड फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं जिसमें राज जैसी फिल्में शामिल हैं। और अगर बात की जाए राजीव सेन की तो ये इन दिनों अपने शादी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहे। इस तरह की खबर रही कि दोनों की शादी, यानी कि राजीव और चारू की शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं चल रही है। खैर, आप क्या कहना चाहेंगे इन सब पर हमें नीचे कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय ज़रूर बताइए। और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़ रही हमारे चैनल टीवी समाचार 24 के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को अभी सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी दबाएं।